मुंबई में बारिश ने दी दस्तक, अलग अलग इलाकों में भरा पानी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं किस प्रकार से मौसम ने करवट बदली करी है। आईएमडी ने इसकी सूचना जारी कर दी कि मुंबई में भारी बारिश होने की आशंका है। इसके पहले बीएमसी ने कुछ लिस्ट जारी कर दी जिसमें उसने एरिया वाइज जोन डिक्लेयर किया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन करके। मगर आपको बता दें, इस जोन को घोषित करने के बाद बीएमसी ने किस प्रकार से करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं जो खर्च किया है वो पूरी तरह से साफ तौर पे एक भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। क्योंकि मुंबई की दो घंटे की महज बारिश में हिंद माता जैसे सर्कल पे पानी भर चुका है, कुर्ला के इलाकों में पानी भर चुका है, जगह जगह पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है इससे लोग कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि आज संडे था, छुट्टी का दिन था, लोग कम बाहर निकले थे, इसके लिए ज्यादा लोगों को इस चीज की समस्या से जूझना नहीं पड़ा है। अगर यही कोई और दिन होता और लोग बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं लोगों की इसकी समस्या से जूझना पड़ता। और अच्छी बात ये रही कि इतनी बारिश के बावजूद जो रेल प्रशासन है, रेल है, वो प्रभावित नहीं हुई है। मगर जो ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एससीलार ब्रिज पे रुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो यहाँ पर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर पानी भर चुका है और इसके कारण जो गाड़ियों का इंजन पे इसका असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन बीएमसी हर साल लाख दावे करती है कि मुंबई नहीं डूबेगा, मगर उसके दावे उसी की तरह खोखले नजर आते हैं। अब देखना ये रहेगा, ये तो बारिश की दस्तक में इस हाल था, आगे मुंबई का क्या हाल होता है। क्या बीएमसी मुंबई को डूबने से बचा पाती है या गड्ढा होने से बचा पाती है, गड्ढे से होने वाली जो घटना होती है उसे रोक पाती है। Thank you.